हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गिनेस व्लॉग्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, वीडियोस काफ़ी लेट आ रहे हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा माजरा चाहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल ऐसे ही चल रहा है हमारे घर का, सब थोड़े बीमार हैं, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। आप लोगों को पता ही है। माशा, तुम तो पतंग लेने आ रहे थे, ले नहीं गए? कब जाओगे? 4 बजे। किसके साथ जाओगे? के साथ। आज भी उससे पतंग लेना? चाहिए, नए नए पतंगबाज बैठे हैं यहाँ पे। 15 अगस्त तक इनको चांस है इनके पास। हमने इनको परमिशन दे रखी है, 15 अगस्त तक बस ये पतंग उड़ा सकते हैं। उसके बाद अगर ये उड़ाएंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। चेहरा आप देख सकते हैं अभी इनका कैसा हो गया, बिल्कुल। कहाँ जा रहे थे इतने शाम को? नहाए, शाम को बस नहाई लिए। आज हम जाना है, समीर भाई ने एक नई शॉप ओपन करी है, तो आज हम वहीं जाएंगे। तो उसका आज हम रिव्यू करेंगे और रिबन काटेंगे हम जाके। हमें बुलाया मेन ओनर है, हम वहाँ के, सॉरी ओनर नहीं, आपको बुलाया था 2 हफ्ते पहले। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, एज यू नो आई एम वेरी बिजी पर्सन। तो अभी फोन करके पूछा भी कहीं वो बेचारे हो ना और तुम चले जाओ, पूछने की जरूरत है? हाँ, वो बहुत बिजी इंसान है, पता चला कि तुम पहुंचे और वो बोले भाई मैं तो आज नहीं। यार नहीं नहीं, इन्होंने दुकान करी है, साइड से कॉमन सेंस लगाया। नहीं, उन्होंने होम डिलीवरी भी रख रखी है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हमें क्या करना है, चिकन ट्राई करना है। वो हो जाए ना कोई तो मिल ही जाएगा दुकान पे। हमें तो रिव्यू देना है कैसा चिकन वगैरह बना रहा है वो, किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा आज वही हम जाएंगे, कुछ चिकन बोटी, कुछ बारबेक्यू और कुछ चिकन बर्रा वगैरह। इतना चीज़ नहीं है, अभी स्टार्टिंग करी है, पर ये है कि अभी स्टार्टिंग करी है। तो गाइस, आप भी सपोर्ट करें, उन्हें अच्छा लगेगा और ये वहाँ पे जाके आपको दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। और अच्छा, और पतंग लेके आ चुके हैं अपनी, कितने लाओ? 30 पतंग हैं। हमने गए सारी, सबसे कम लाए हमने गए। कितने रुपए की? 1 रुपए की। 7 रुपए की। 7 रुपए की एक है? और अम्मी यहाँ पे लौकी काटते हुए, अम्मी 7 रुपए की एक पतंग लाए। 5 रुपए की एक पतंग। अच्छा, गोली दे रहा अम्मी को। कितने की हो गई? 7 रुपए से। 7 रुपए 7:30 का बताओ कितना होगा? 210। 210 रुपये बर्बाद कर दिया मैंने पतंगों में। और मिल रहा था उसके पास आए कैसे पैसे? 200 रुपये मुझसे लिए। यार मैं तुम तुमने कैसे ले दिए थे पैसे? बोला बोला, वो बना के दिया, मुझे नहीं मदद थी, पता नहीं देखा था, मैंने पूरी दुकान उठा लाया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। एक दिन भी नहीं उड़ाएंगे? एक दिन भी तो अम्मी पहले में कितने महीने से चढ़ जाता था, पूछ ले रहा। अच्छी बात कोई है, अच्छी बात कोई है। तो गाइस, शाम हो चुकी है, लगभग मगरिब का टाइम होने ही वाला है और साथ अभी तक नहीं आया। ऊपर गया हुआ है लगभग वो 2 बजे का, 2 या 3 बजे का गया हुआ है और अभी तक नहीं आया ऊपर से। मतलब पतंगबाजी में पूरी तरह से खो रखा है इस टाइम पे वो, तो देखते हैं क्या कर रहा है ऊपर चल के। अरे अम्मी चप्पल कहाँ गए हमारे? और ये दोपहर के 2 बजे से पतंगबाजी करता हूँ। अभी आया था, अभी आया। कहाँ गई सारी पतंग? सारी कटवा दी। अरे नाक का चोला कहाँ? तेरे नाक पे ना दाना है। दाना है, दाना। और ये 2 पतंग मार, ये तो वाला महंग के साथ है अपना। और ये देख सकते चारों तरफ पतंगबाजी। मनोज भाई तुमने उड़ा रहे पतंग हैं? एक बार उड़ाते हैं बस, जब ही खाली हो जाते हैं ना, इसकी तुम्हारी खाली हो जाएगी बस।
तुम्हारी तरह सबसे आज जाफराबाद में उड़ने जाफराबाद से जाफराबाद ही है। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे पुरानी दिल्ली के कुछ खाने, कुछ पकवान, कुछ टिक्का बोटी है और वहाँ का टेस्ट आपको दिखाएंगे। टेस्ट क्या वहाँ का जो चिकन वगैरह होता है वो थोड़ा टेस्ट करेंगे कैसा। बहुत दिन हुआ है गए हुए और समीर भाई ने कुछ अपने एक शॉप भी ओपन करी है तो थोड़ा वहाँ भी देखेंगे, वहाँ का भी टेस्ट करेंगे। बादशाह है वहाँ की हर चीज़ टेस्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी। बहुत लजीज खाने बनते हैं वहाँ पर एंटर होती है ऐसे खुशबू आती है तो देखते हैं वहीं चलेंगे। पकड़ ले जंप मारी है तो गाइस हम तैयार हो चुके हैं फाइनली निकलने के लिए। और आशा का स्टाइल अलग ही है, कितना हमारा यूनिक स्टाइल है। यूनिक फॉर्मल पे आशा फॉर्मल पैंट पे टी शर्ट ये वाले जूते कहते हैं स्पोर्ट्स शू। तो चलते हैं फिर भाई जिम में जा रहा हूँ क्या मंडे से। ओहो ये भी खोल लगा ऊपर वाला बटन आज तो बॉडी कितनी खतरनाक लग रही है तुम्हारी। तो बॉडी तो खत्म हो गई हमारी है जी। उधर देख अस्सलाम वालेकुम। मेरा है समीर भाई और माशाल्लाह से रहीम की दुकान। गाइस आज हम बने हैं फूड व्लॉगर। आज हम यहाँ का ट्राई करेंगे चिकन टिक्का वगैरह ट्राई करेंगे तो आज से रिव्यू देंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा फूड व्लॉगिंग वाली वीडियोस देखते तो आज देखेंगे क्या सीखते हैं, उससे कुछ सीखते भी हैं ऐसी बेकार में टाइम खराब कर रहे हैं। देखते हैं माशा मैं तो बहुत कमी से देखता हूँ, सारा दिन देखते हो तुम तो आज यही रिव्यू देंगे, देखता हूँ कैसा रिव्यू देता है। ये बहुत गलत आदमी उन्नी साथ नहीं है। नहीं भाई ये तो बहुत बढ़िया बना रहा है। मुझे लेग दिया सिर्फ तीन लेकिन तेरे वजूद के हिसाब से लैग कुछ भी नहीं है। 10 लैग की बात कर भाई, तू खिला दिया कर मैं रोजगार ही करूँगा तेरी भाई। भाई रोजाना भाई वाला काट दोनों काट दे तो भाई अभी हमने मंगवाए कबाब और मलाई टिक्का। अच्छा टेस्ट करके दिखाओ जल्दी से। तुम करो ना रिएक्शन तो आज भाई वीडियो में एक बात और होगी। अब लड़ाई में रुका लेता तो मुझे कम पैसा मिलो। खराब हो
बहुत सही लग रहा है। भाई अब भी ट्राई करो। तो ये अनस भाई हमारी शॉप पे आए और ये खा रहे हैं कबाब, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का। भाई मेरा पीस फेंक दिया पानी में। ये देखो तो कैसा है भाई, कैसा बना हुआ है बताओ। इतना टाइम नहीं मिल रहा इनको कि मुंह से कुछ बोल सके। माशाल्लाह शायद अच्छा बना हुआ है, अगर अच्छा नहीं बना हुआ तो भाई पैसे वापस है। बता देना एंड में खाने के बाद कह देना अच्छा नहीं बना हुआ भाई। भाई बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया बना हुआ भाई, बढ़िया बना हुआ है। चलो आपके पैसे तो पूरे हो जाएंगे। तो भाई मैं तो देखता नहीं ब्लॉग, मेरे से तो दिया नहीं जा रहा रिव्यू, साथ दे अच्छा रिव्यू दो। तो गाइस जिसको मंगवाना हो ये रहा सामने आपके नंबर वगैरह, यहाँ से आप मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। भाई स्प्रेड फुल हो गया हमारा। तो बादशाह सबसे सही चीज़ कौन सी लगी बताओ। चिकन टिक्का। चिकन टिक्का कौन सा वाला, मलाई वाला या नॉर्मल वाला? मलाई वाला, मलाई वाला। और मुझे नॉर्मल वाला जो होता है वो बढ़िया लगा। वैसे तो मैंने कई काफ़ी दिन बाद खाया है, लास्ट टाइम खाया था मैंने नवाब भाई का, जाफराबाद में नवाब का, नवाब भाई का चिकन वाला नहीं है वो खाया था लास्ट टाइम मैंने, उसी की याद आ गई। मतलब बढ़िया हो रहा था एकदम। बाकी तो हम सुल्तान भाई का भी खाते हैं, फ्राई वगैरह, लॉलीपॉप वगैरह। और ये टिक्का बहुत सालों बाद खाया मैंने, मतलब मज़ा आ गया एकदम, बढ़िया है। बाकी समीर भाई से पूछते क्या रेट वगैरह है वो बताएंगे। आपको कैसा लगा है बताओ भाई। हमें तो बहुत बढ़िया लगा, आप ये बताइए मतलब क्या रेट वेट क्या है, क्वार्टर का क्या रेट है? रेट वेट तुम्हारे लिए क्या बताएं, दवाई। अरे मतलब बताओ ना, जिसको जिसको भी ऑर्डर करना है ये रहा, बाकी मैं लगा दूंगा। बहुत इजी रेट है, हमने तो रेट नहीं लगा रखे। हाँ रेट इस पे नहीं है ना लगे, नीचे उतरे थे मुर्गे के ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, इनका कोई फिक्स नहीं है ना। फिर भी अभी क्या चल रहा है? वैसे अभी हमारा चल रहा है 80 रुपए का लेग और चेस्ट का 100 रुपए का। चेस्ट का 100 रुपए का है, 80 रुपए का लेग है। और जो कबाब है, मलाई टिक्का जो है वो 100 रुपए की सीख है, एक सी वो 20 रुपए का है। अच्छा 20 रुपए का कबाब है। तो गाइस नॉर्मल रेट रखा क्योंकि कोई ज्यादा रेट नहीं। हाँ तो गाइस जिसको ऑर्डर करना हो ये रहा, होम डिलीवरी हो जाएगी मगर अपने एरिया में होगी। ये अपने एरिया में ही कर रहे हैं अभी तो, बाकी 5 किलोमीटर के अंदर अंदर वाले लेके गए जाफराबाद भी। हाँ रास्ते में जाते आते उन्होंने ऑर्डर कर दिया फोन पे, तो आसपास की जगह पे ले आके दे रहे थे हम अपने घर लिया। अभी तो शुरुआत ही है सर, एक हफ्ता हुआ है ना। हाँ एक हफ्ता हो गया, जब एक हफ्ता हुआ है और धीरे धीरे हो जाएगा। शुगर अल्लाह ने बहुत 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 शुगर है सहने, बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया चल रहा है एकदम साफ। थोड़ा सा भी सेटिंग करेंगे ना, सेटिंग का हो जाएगा तब अच्छा रहेगा। हाँ जब थोड़ा और बढ़िया रहेगा, फैमिली वगैरह के लिए हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अभी ये दुकान तोड़ के, दुकान भी पूरी तोड़ के एक कर देंगे। चलो बढ़िया है माशाल्लाह, ये दुकान तोड़ के पूरी एक कर देंगे, पूरा फैमिली के लिए हो जाएगा। ये हमारे रोज के फुल मुर्गा खाने वाले हैं, रोज आना है, फुल मुर्गा खाते हैं यहाँ पर। फुल मुर्गा, फुल मुर्गा एक में ही काम हो जाता है, एक में भी चला लेते हैं बस ये मामला अपना, थोड़ी थोड़ी देर में पूरा फुल मुर्गा खा लेते हैं। सही है माशाल्लाह, सेहत सेहत बना रहा है अपनी, कोई रिश्ता रिश्ता हो कहीं के लिए रिश्ता हो तो बिल्कुल बताएं, सेहत बना रहा है, सही सेहत बना रहा है अपनी माशाल्लाह। आँखें बहुत प्यारी है यार, तीनों बहनों की, वो तीनों भाई बहनों की ऐसी क्या कह रहे हैं। समीर भाई ने घर के लिए भी दे दिया था, उन्होंने बोला अम्मी को टेस्ट कराना, तो अम्मी टेस्ट करके बताएंगी। हमारी अम्मी ये रही, अम्मी फूडी ब्लॉगर बनी, अम्मी खा कर गई है ना, पहले से खा रही वैसे तो हाँ तो आप मतलब वैसे नहीं, थोड़ा जैसे फूड ब्लॉगर होते हैं उस टाइप का कुछ। ये रहा मेरे वाला एकदम खा लिया है, बढ़िया अच्छा बना, अच्छा बना है, जायका है, वाकई में बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है।
थोड़ा सा हमें खा के देखते हैं दोबारा से। थोड़ी अवश्य थोड़ी भाई, कैसा भाई? मस्त। खाया तो है नहीं तुमने? निवाला खाने से पहले ही मस्त होता है। अच्छा पहले देखने में भी अच्छा लग रहा है तो उससे आगे लग रहा है खाने में भी अच्छा ही होगा। बटर देखो बहुत डाला यार बटर।